लंबे समय से कश्मीर घाटी में फैले तनाव और हिंसा को कम करने के लिए लोकसभा में पेश किए गए शांति प्रस्ताव को सर्वसम्मति के साथ लोकसभा में पारित कर दिया गया, तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में प्रस्ताव पढ़ते वक्त लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कश्मीर घाटी में लंबे समय से बनी अशांति पर गहरी चिंता जताई और हालात सामान बनाने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत पर बल दिया। प्रस्ताव में इस बात पर बल दिया गया कि देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में शांति व सामान्य स्थिति की बहाली के लिए राज्य के सभी वर्गों के लोगों और देश के बाकी हिस्सों से योगदान की अपील की गई। आपको बता दें कि सेना मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से कश्मीर घाटी में हिंसा व तनाव पसरा हुआ है। फिलहाल कश्मीर हिंसा में अब तक 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के सभापति एम हामिद अंसारी ने मानसून सत्र को सफल करार देते हुए अनिश्चितकाल के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि सदन में 14 सरकारी विधेयकों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें जीएसटी बिल से लेकर संवैधानिक संशोधन विधेयक, प्रतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक और मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने संबंधी विधेयक शामिल हैं। बिल्कुल, देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहिए और ऐसे समय में सभी दलों का एक साथ खड़ा होना जरूरी भी है। देखते रहिए डीवी लाइव।